नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल। नीट परीक्षा में देश में 41वां स्थान प्राप्त करने वाले होनहार अंशु पुनिया को रा ग्रुप ने किया सम्मानित। थाना प्रभारी बलवंत जसू के हाथों घर पहुंच किया गया सम्मान। नीट की परीक्षा में देश में 41वां रैंक और पूरी हरियाणा में लड़कियों में पहला स्थान हासिल करने वाली अंशु पुनिया को आज रा ग्रुप द्वारा मोमेंटो एवं प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सिवानी थाना प्रभारी बलवंत जसू ने शिरकत की। जानकारी देते हुए रा ग्रुप के प्रवक्ता मनोज जांगड़ा ने बताया कि रा ग्रुप समय समय पर विभिन्न स्पर्धाओं में मुकाम हासिल करने वाले छात्रों को सम्मानित करता है। उसी कड़ी में आज नीट की परीक्षा में पूरे देश में 41वीं रैंक और हरियाणा में लड़कियों में पहला स्थान हासिल करने वाली खंड के गाँव बख्तावरपुरा की बेटी अंशु पुनिया को रा ग्रुप द्वारा सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि पहुंचे सिवानी थाना प्रभारी बलवंत जसू ने कहा कि बेटियां किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। जरूरत है कि हम उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए उनको अवसर प्रदान करें और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। कार्यक्रम की अध्यक्षता रा क्लब सिवानी शाखा के अध्यक्ष रमेश कोठारी ने की। रमेश कोठारी ने कहा कि बड़े गौरव की बात है कि सिवानी इलाके की इस होनहार बेटी ने अपने गाँव का नाम पूरे देश में चमकाया है। हमें अपनी बेटियों को आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करने चाहिए। बेटियां किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। जरूरत है कि उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए हमें उनको अवसर प्रदान करें और उनको जीने के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। इस अवसर पर रणदीप पुनिया, फतेह सिंह कोठारी, जगबीर शुंडा, जगवीर फौजी, अशोक सोनी, राजू सरपंच, अनिल चावला, आशीष जांगड़ा, जयपाल, मनीष मित्तल, बलवीर पुनिया सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। सिवानी मंडी से मनोज जांगड़ा की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल। आज हम पहुंचे हैं गांव बख्तारपुरा के अंदर और यहां पर आज हम उपस्थित हैं अंशु पुनिया के घर पे, जो कि आपने पीछे देखा होगा कि हमारे यहाँ पूरे भारत के अंदर 41वीं रैंक पात्र की और पूरे हरियाणा में लड़कियों की अगर बात की जाए तो पहले नंबर पे की परीक्षा में हमारे बीच में जिन्होंने स्थान हासिल किया उनके आज घर पे ऊपर हैं और यहाँ पर राह ग्रुप के द्वारा आज एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। और हमारे साथ आज हैं अंशु पुनिया जी, जो कि आपको बताएंगे कि अपने जीवन के अंदर किस तरीके उन्होंने संघर्ष किया और इस मुकाम को हासिल किया है। नमस्कार अंशु जी, कैसे आप महसूस कर रहे हैं आज आपने ये रैंक हासिल किया? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, बहुत 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 खुशी हो रही है। सब परिवार वाले, गाँव वाले सब बहुत खुश हैं, तो वही अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है। आपने कैसे संघर्ष किया, आपने आप स्टडी के बारे में थोड़ा बताएंगे कैसे क्या किया? स्टडी के बारे में मेरी 10th तक की पढ़ाई सिवानी में हुई है, आदर्श स्कूल में। उसके बाद मैंने आकाश इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया एंड मेरी स्ट्रेटजी बस यही रहती थी कि रोज का काम रोज ख़त्म करो, चाहे 10 घंटे, 12 घंटे, 8 घंटे, जितना भी हो रोज का काम रोज ख़त्म करो। एक पॉजिटिव माइंडसेट रखो, हमेशा पॉजिटिविटी अपने आसपास रखो, तो वो अपने आप में परफॉर्मेंस अच्छी कर देते हैं। लड़कियों के लिए क्या संदेश रहेगा आपका, जैसे अपनी जो बेटियाँ हैं उनके लिए? बस ये कहूँगी कि हार्ड वर्क, मेहनत, ये किसी भी काम को, किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। फिर उसके बाद आती है कि आप कितने पॉजिटिव रहते हो, एक अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखना कि आप ये काम कर सकते हो एंड आप ज़रूर कर लोगे। आप अपने परिवार का, अपने घर का, अपने गांव का, अपने शहर का नाम रोशन करना मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। किसे आपको अपने से मुकाम हासिल करने में माता पिता और किसका सबसे ज़्यादा सहयोग आपको आपने? माता पिता, परिवार एक ऐसी जो बिल्कुल फर्स्ट डे जब आप पैदा होते हो तब से आपके साथ रहता है, तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पास ऐसा परिवार है जिसने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, हर डिसीजन में मेरे हर ओपिनियन की रिस्पेक्ट करी है। फिर आते हैं गुरु, तो अगेन आई एम वेरी लकी कि हमेशा से मेरे टीचर्स बहुत अच्छे रहे हैं, मेरे को प्रॉपर गाइडेंस मिली है, तो शायद ये उन्हीं की बदौलत है कि आज मैं इस मुकाम पर। आपका क्या लक्ष्य रहेगा? लक्ष्य बस यही है कि मैं किसी की मदद कर सकूं, बस वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए कि जब रात को घर आऊं काम करके तो एक ऐसा फील होना चाहिए कि आज मेरी वजह से किसी की ज़िंदगी बची है या किसी को किसी का फ़ायदा हुआ है। तो अगर मेरे को मौका मिला तो मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहूँगी और
वरना आई वांट टू बी कार्डियोलॉजिस्ट। और शिक्षा के अंदर जो मुकाम हासिल किया उनका योगदान एक अतुल्य योगदान रहा है, उनको लेकर के बातचीत करते हैं कि किस तरीके ने उन्होंने अपने इस मुकाम को हासिल करवाने में अपनी बेटी का सहयोग किया, क्या मानते हैं इस मुकाम को लेकर? बेटी की मेहनत और लगन तो है ही है, साथ में जो जोश पेरेंट्स दे सकते हैं वो आशु को भरपूर मिला है, क्योंकि इकट्ठा परिवार है तो यूँ मानिए सारे परिवार का सहयोग है। दादा दादी से लेके हम सब जो चाचा ताऊ सब ने सहयोग किया है, तो इसका हौसला हमेशा बना रहा है और इसको हमेशा हम इम्प्रूव करते रहे हैं कि बेटा तू कर जाएगी, क्योंकि सिर्फ बच्चे को छोड़ देने से ही कामयाब नहीं होता, बच्चे को हर कदम संभालने के लिए एक हौसले की जरूरत होती है, वो हौसला सिर्फ परिवार दे सकते। आप अपने इलाके के जो हमारे लोग हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे बेटियों के लिए, क्या आपकी उनके समस्या हासिल करने में अपनी बेटियों का सहयोग करें? यही कहना चाहेंगे कि बेटियों में वो हौसले हैं लेकिन हम उनको सही राह नहीं दे पाते हैं। ज़्यादातर आजकल क्या होता है, बच्चे को कोचिंग में छोड़ दिया, हम अपने आप को फ्री समझ लेते हैं, जो कि बच्चे को जो जरूरत होती है पेरेंट्स की वो हम दे नहीं पाते। पेरेंट्स की भी मानता हूँ मजबूरी है कि वो साथ नहीं रह पाते, हर पेरेंट्स कोई काम करता है, कोई कहीं बाहर रहता है, तो हम इसके लिए ये चाहते हैं कि बच्चे थोड़ा सा छोड़ने से पहले सोचे, संस्था का सही चुनाव करें, और ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, बच्चे में काबिलियत होनी चाहिए और काबिलियत के बाद एक अच्छी इंस्टीट्यूट जो राष्ट्रीय लेवल पर हो उसका सहारे की भी जरूरत पड़ेगी। हम ये नहीं कह सकते कि एक कोचिंग के बिना बच्चा आगे निकल जाएगा, क्योंकि गाइडेंस टीचर ज़्यादा करते हैं, लेकिन सबसे अहम पेरेंट्स का रहता है। लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स बच्चों को बाहर नहीं छोड़ सकते, तो उस हालात में मैं आपकी जो ये संस्था है उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे बच्चों की व्यवस्था करें, लाने ले जाने की या उनको संभालने की, तो हमारा समाज, हमारा इलाके के काफ़ी बच्चे जो प्रतिभावान हैं और जो किसी मजबूरी की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते वो आगे बढ़ सकते हैं। और उन भारत के अंदर आपकी बेटी ने 41वां रैंक हासिल किया है, कितनी खुशी आपके परिवार के अंदर आपको? बहुत खुशी है जी, क्योंकि सबसे ज़्यादा खुशी तो इस बात की है कि एक छोटे से गाँव से हम निकल के और दिल्ली में बच्ची की एंट्री हुई है और वो भी एक अच्छी रैंक के साथ। इससे ज़्यादा खुशी तो जितनी मुझे उससे ज़्यादा अपने इलाके को है, और मैं सभी इलाके वासियों का धन्यवाद करता हूँ जो हमारे शिवानी क्षेत्र के सभी हिसार तक के जितने भी हमारे संपर्क में हैं सबकी बधाई। हम युवाओं से यही प्रार्थना करते हैं कि वो इस तरह से प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ने के लिए अपने आप को समर्पित कर दें और डेडिकेशन की भावना से काम करें तो कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है।